अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे व्यूवर्स की फरमाइश पर मछली। जी हाँ, हम बना रहे हैं रावस मछली का सालन, वो भी एक नए टेस्ट के साथ। उम्मीद है कि पसंद आएगा। तो दोस्तों, रावस मछली बनाने के लिए, उसकी करी बनाने के लिए, उसका सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 600 ग्राम रावस फिश ली है। तो अब आप देख सकते हैं इसे हमने इस तरीके से कटवाया है। ओके, अब पहला काम क्या करना है कि फिश को क्लीन करते वक्त इसके अंदर से हमें ये सब कुछ निकाल देना है और अच्छी तरीके से इसे क्लीन करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास में 2 चम्मच नमक है। नमक हमें अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। एक हमने यहाँ पे नींबू लिया, वो पूरा नींबू का रस, हमने नींबू का रस और फिर जो नींबू है उससे इस तरीके से रबिंग करनी है। ठीक है, हमने इसे आधे घंटे के लिए रख देना है, फिर हम इसे फाइनली क्लीन कर लेंगे तो इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। चलिए, अब आप देख सकते हैं फिश की ग्रेवी बनाने के लिए एक मसाला पीसने की जरूरत रहेगी। सो ये थोड़ी सी कोथमीर है और मेरे पास इसमें 4 हरी मिर्चें हैं और 1 प्याज है और करीबन 1 छोटी डली लहसुन की है और 1 छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का भी लिया है। ठीक है, यस, ये अदरक नीचे है। सो ये हो गया 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच काली मिर्ची, 1/4 चम्मच अजवाइन, ये इसी में शामिल कर देंगे। ठीक है, और इसी में हम ऐड कर देंगे ये 5 तड़के वाली मिर्चें। ओके, बस इसे हम पीस लेंगे, ये फिश का मसाला बन गया। और खट्टे के लिए या तो आप इमली डालिए, कोकम डालिए, या ये खटाई है जो कच्चे आम की होती है, ये देखिए। सो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और कुछ हमें बघार में डालने के लिए ये मेथी दाना भी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं इसलिए इससे हमने अच्छे से धो लिया है। अब हमें टिश्यू लेके इसे टैप टैप करना है और सारा इसका जो एक्सेस पानी है ये देखिए उसे हमने इस तरीके से क्लीन कर लेना है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फिश एकदम अच्छी तरीके से हमने इसे टैप कर लिया है, क्लीन कर लिया है। अब मैं फिश के हिसाब से इसमें नमक ऐड करूँगी। तो हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, ये 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल रहे हैं, 1 चम्मच ये लाल मिर्ची, ठीक है, 1 चम्मच हल्दी ऐड कर देनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़ी एहतियात से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम हल्के से शैलो फ्राई करेंगे। इसको डायरेक्टली डाल सकते हैं या चाहो तो आप इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके डाल सकते हैं, तो हम इसे हल्का सा फ्राई करना पसंद करेंगे। चलिए, इसे हम क्रिस्प होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये फिश हमारी फ्राई हो गई है, हम इसे निकाल लेते हैं, फटाफट ग्रेवी बनाते हैं। हमारे पास में 1 चम्मच तेल चाहिए, ठीक है, थोड़े से मेथी दाना ऐड करेंगे, ये पिसा हुआ सारा का सारा मसाला। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये हमने इसमें सारा का सारा मसाला डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर 1/4 चम्मच हमने हल्दी डाल देनी है, इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 चम्मच इसमें सिर्फ और सिर्फ पाउडर्ड मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ठीक है, नमक है ये, चलिए तो ये ऐड हो गया। अब हम इसे अच्छी तरीके से चला लेते हैं, इतना भूनेंगे कि ये अच्छी तरीके से तेल छोड़ दे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे पास में खटाई है, आप चाहो तो इमली का पल्प ले लीजिए। अगर आप इमली का पल्प ले रहे होंगे तो जब आप ग्रेवी करेंगे तब डालना, मैं ये खटाई ले रही हूँ। सो मैं इसमें 1, 2, 3, 4 अभी डाल रही हूँ ताकि ये मसाले के साथ में ये भी अच्छे से भूनकर अपना खट्टापन छोड़ दे। चलिए, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारा मसाला भुना गया है, क्वांटिटी में भी कम हो गया है और आप ये देखिए आसपास से सारा तेल इसमें से आ गया है। अब हम इसमें सारे के सारे फिश के पीसेस ऐड करेंगे और एक लाइट मिक्स करेंगे, स्पून को ही जगह पे रख के इस तरीके से गोल गोल घुमाते रहना है, इससे ऑटोमेटिकली फिश के पीसेस को मसाला लग जाएगा। आपको फिश के पीसेस को नहीं हाथ लगाना है वरना वो टूट जाएंगे, सो इस बात का ध्यान रखिए। तो जितना ग्रेवी रखना है आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। सो चलिए चेक करते हैं
चेक कर लीजिएगा, नमक कम है तो आप शामिल कर लीजिएगा। इसे हम कवर कर देंगे एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये फिश हमारे अच्छे से दम में हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये काफी अच्छी तरीके से पक गई है। सो ये मैं कसूरी मेथी इस पे क्रश करके डाल रही हूँ, धनिया पत्ती। सो दोस्तों, हमारी रावस फिश करी, रावस मछली का सालन बनकर तैयार है। ये मैं बंद करती हूँ एंड सर्व करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी बनाई हुई आज की ये रावस मछली का सालन आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे ट्राई करके मुझे जल्द से जल्द अपना फीडबैक देंगे, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।